गुड इवनिंग एंड सत श्रीकाल एवरीबडी की हाल चाल है बहुत सारे बच्चे रेगुलरली बिल्कुल थैंक यू थैंक यू और सब ठीक ठाक हो बढ़िया हो गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर सुखे थैंक यू सो मच ठीक है बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है बढ़िया चल रहा है सो so, प्लीज आ, मेरा थोड़ा जहा सेटअप ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਥੈਟ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ اٹੈਂਡੈਂਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਕਸ 500 ਬੱਚਾ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 500 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ બસ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਸ਼ੀਕਾਲ ਜੀ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸੱਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਐਲਸੀਐਮ ਐਨ ਐਸਸੀਐਫ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਾਇਸ मैक्सिमम ठीक है बहुत अच्छे तरीके ना है शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम ताकि हर एक बच्चे तक मकसद अपना पहुंच जावे पटवारी दा नोटिफिकेशन कदे भी आउट हो सकता है ठीक है ये इंफॉर्मेशन जो कि डिपार्टमेंट वालों भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और बिल्कुल कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ اچھی ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ अर्ली इन द ਮਾਰਨਿੰਗ ठीक है कल ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ली इन द ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ سارے ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਚਲੀ ਤਰੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦਾ سلسلہ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ हां बिल्कुल बहुत सारे बच्चे कई बारी बाद जो आंदे ने फटाफट ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ سلسلہ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਡਵਾਈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 35 ਆ ਗਏ கரੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕੇ ਹੀ मेहनत होंसानी और रंग लैके है ठीक है खास तौर पर टैसरीज अवेलेबल है जिन्हें भी विद्वान सज्जन ने थोड़े रिलेटिव थोड़े जाकर जिन्हें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यार हज़ार स्टूडेंट्स ने ठीक है अं बिल्कुल इस तरीके थना चाहते हैं कि जिने भी विद्वान सज्जन टैसरीज बारे कई बार पूछते रहेंगे उन्होंने रेकमेंड कर सकते हो पी सी एस दैसट टैसरीज अवेलेबल है पटवारी के रिगार्डिंग पी पी एस सी प्रिंसीपल हैडमास आई बी पी एस आर आर बी द एक्सकलूसिव थर्टीनथ ऑफ जुलाई तो एक जबरदस्त बैच शुरू हो रहा है बैंकिंग लाइन वास्ते जिस रजिस्ट्रेशन प्रोसैस स्टार्ट हो चुकी है सो so दैट उ रजिस्ट्रेस प्रोसैस जाके शामिल हो सकते हो तो किसी भी स्टूडेंट्स के रैफरेंस के कैंडिडेट आ रहा है तो तुम्हें बिफोर हिम और हर लिया तो पहला इस नंबर पर कॉल कर लेनी है ताकि पूरी जानकारी मिल जाएगी राइट फंक्शनल मैनेजर दिरीज मिल जाएगी पुलिस सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सब कुछ भंडारा मिलेगा थोड़ा गिलजमेंट तो दोस्तों मैं इस करके कहना फ्री दिवस सीरीज फ्री च जाओ यार फ्री, फ्री जा लाइव टैस्ट लाओ थोनू पता लग जाएगा तैयारी तो कितने है तो तुम स्कोर चैक कर सकते हो अपना बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का स्कोर आया मैं स्कोर भी विजिबल कराँगा अज ठीक है बिल्कुल मैं अंत में स्कोर थोड़ा दिखावगा अज कि वाकई परफॉर्मेंस कि अच्छी है बच्चों की कि अच्छी नहीं है ठीक है बिल्कुल बहुत वधिया बहुत बधिया शाबाश राइट चलिए बई स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है पहला क्वेश्चन जबरदस्त है अज मैं जिन्हें भी क्वेश्चन लेके आया हाँ बैंक आर आर बी होगा सर डेफिनेटली मैं जिन्हें भी क्वेश्चन लेके आया ये क्वेश्चन पहला दस दिना मैं सारे बच्चन यशन पी पी एस सी पी पी एस सी ने जिने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए उन्हें प्लस इस तुम तो अलावा बहुत सारे होर एग्जाम ने लाइक आप गल करते हैं पी एस पी सी एल ठीक है पी एस पी सी एल हो गया है इस तो अलावा अपने बहुत सारे एग्जाम्स होर ने इना सारे एग्जाम्स के जिने भी क्वेश्चनस ने बहुत इंपॉर्टेंट ने वो सारे मैं लेके आया ठीक है जी <coughs> रमनप्रीत जी बैच में अवेलेबल ठीक है हाँ बिल्कुल बैच में अवेलेबल ने ऐप तो अवेलेबल ने ठीक है हाँ जी पी एस पी सी एल इस तो अलावा पुडा पेपर है ठीक है पुडा की गल करते हैं पुडा एग्जाम है ठीक है और इस पुडा पेपर तो अलावा भी बहुत सारे होर साने एग्जाम हुए उन्होंने क्वेश्चन ने ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ क्वेश्चनस मेरे बिहाफ अगर कट्टे नहीं मैं समझा रव कि आर अवेलेबल है बहुत वी बहुत वीडियो आंसर होना शुरू हो गया किंग नाभा साहब जी का आंसर आ चुका है ये लवद जी का आंसर आ चुके, चुके सिलसिला शुरू हो चुका है वाह क्या बात है यार बिल्कुल बिल्कुल बहुत वीडियो खाना खुना खा के तैयार हो जाए करो शाम को पड़ास कटद करो पूरे पूरी चिप कड़ कर दिया करो ठीक है मैथ इदा तटे अगर नचेगी इदा उडेगी मैथ है ना एच सी एफ ऑफ टू नंबर मेरा सवाल सेगा बारह है उन्होंने डिफरेंस कि मेरे को बारह है तो मैनू तुम दसना है कि फटाफट यदा आंसर कि होएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल और सधारण जहा क्वेश्चन है जल्दी जल्दी जिन्हें भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जल्दी जल्द करशिश करना है वैरी नाइस nice. बहुत वीयर बहुत बदिया वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश 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 सब बच्चा का आंसर डी आना शुरू हो चुका है डी आंसर आना शुरू हो चुका है वेरी नाइस nice. <coughs> क्या बात है जी? क्या बात है? फटा -फट. maximum maximum, हर बंद जगा हर बंदे सतर्क करना है बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। बहुत बदिया <coughs> मेरे को संख्या एक्स है और दूजी संख्या वाई देखो एक बेसिक चीज समझ लो बने कोई नंबर एक एक्स है, है मैं इस एक्स वाई अगर मनागा कि कोई नंबर मेरे है कोई नंबर मेरे को चार है ठीक है दोनों नंबर मेरे तीन चार चार से एक मेरे को ईवन नंबर है तीन मेरे को प्राइम नंबर है बट दो फैक्टर बराबर नहीं हो सकते बेसिक चीज समझ लो पहले बेसिक अपने समझ लो थोड़ा आंसर बहुत सारे बच्चों का करैक्ट राइट है बेसिक चीज़ मैं समझा चाह रहा जी और चीज़ समझ लो तीन चार है अगर मैं इत अठ लै लव तो मैं गल कह स छे अठ का एससीएफ कि होएगा दो होएगा ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 3 ਬਾਈ 4 ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 2 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 3 ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 3:4 ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ HCF ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ HCF ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੈ 2 ਨਾਲ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ फिर टू नॉ फोर का मल्टीप्लाई करा तो अपने कोट होएगा। इट मीनस कोई नंबर अपने को छे तो दूजा नंबर अपने कोठ सेगा परंतु इस ही सवाल आप ट्विस्ट दिता गया बहुत सारे बिल्कुल इस आंसर आप जूम करके भी कर सकते हैं मैं थोड़े प्रोसीजर दसागा सब तो पहले आपको क्वेश्चन समझना पेगा अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत सारे अपने आंसर आसानी आ जाएंगे लाइक मैं मनागा पहला नंबर इदा हाँ ਇੰਨਾ ਦਾ ਐਸ ਸੀ ਐਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਐਸ ਸੀ ਐਫ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਹੈ दूजी कंडीशन बन गई है हूँ मैं में मेरे ब प्यारे साथियों इस इक्वेशन में इदा भी लिख सदा वाँ कि बारह मेरे को गया कि मेरे को पहला और दूजा नंबर जो होएगा, वो नंबर मेरे को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के प्लस प्रोडक्ट के भी अवेलेबल हो सकता है सो so दैट इस तरीके इक्ुएशन बन गए लेकिन मैं यही चाहगा कि इक्ुएशन बनाने की बजाय जो क्वेश्चन आसानी हो सकता उसमें आसानी ही करशिश करनी है तुम्हें की करना मैं स्ट्रक्चरल तरीका दसागा बैंक इंग्लिश कदों तो स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल थर्टीन ऑफ थर्टीन ऑफ जुलाई तो शुरू कर रहे हैं डेफिनेटली जाके इनरोल कर सकते हो गायज अगर ये पेपर देशन आता स्ट्रक्चर बनाने की बजाय सिंपल ऑप्शन पर जाना है क्योंकि मैं यही चीज़ ऑप्शन मैथडना करावगा बिल्कुल तो सिंपल चार ऑप्शन दते फटाफट देखो डिफरेंस बारह कि डिफरेंस बारह कि बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं आए थे हो आ जाए ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 12 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 12 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 12 ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਸ ਸੀ ਐਫ 12 ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ हम सिक्सटी सिक्स के ट्वैलव मौजूद नहीं है सो so कैंसल कर दो नाइनटी फोर से ट्वैल्व अवेलेबल नहीं है सो कैंसल कर दो प्यारे बच्चों सिमिलरली च सैवनटी च ट्वेल्व अवेलेबल नहीं कैंसल कर दो और ये ट्वैल्व अवेलेबल नहीं है मैं कोई कोई थोनों मल्टीप्लाई प्लस माइनस दस नहीं दसया मैं किसया है ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੇ ਚ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਸ ਸੀ ਐਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਚ ਵੀ 12 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸ ਸੀ ਐਫ 12 ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਥੈਟ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੋਂ ਕੁਐਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 12 ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ 12 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ 12 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ 12 ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਕਟਰ 12 ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਆਂ 12 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰ ਫੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਟ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਆਸਕਿੰਗ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ मेरे क्लीयर मेरे मैं तुम दसना चाहना जो भी बेसिक क्वेश्चनस ने आप अपने सैशन तो अंत च मैं थोनों फाइव मिनट्स का टाइम देवगा आप आराम सारिया चीज़ा डिस्कस कर लेंगे ठीक है जिसका भी कोई भी क्वेश्चन पूछना आठ ठीक है आप डिस्कस कर लेंगे पर इस वक्त आप ठीक है बहुत वह बहुत वजी लो जी चैलेंजिंग क्वेश्चन है अज तक जाएगा कि तुम वाकई ही वाकई ही पंजाब अफसर बनने वाले हो तुम्हें पंजाब एक ऑफिसर बन वाले हो तो पता लगेगा परीकूलर इस सैशन दे पता लगेगा कि तीस मैं थोड़ा क्वेश्चन दे रहा चेक करा कि क्वेश्चन आ तो रहा है बिल्कुल थैंक यू सो मच रोहित कह रहे हैं जी ता तो तरीका सारे तो जबरदस्त है जो कि घट समय कराने हैं यही चीज़ आप चराई चाहिए है ओम प्रकाश टॉक टू मी हाँ बिल्कुल करेक्ट ओम प्रकाश टॉक टू मी ऑन द ऑफिशियल नंबर चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे है फटाफट द एच सी एफ ऑफ टू नंबर है अपने अदर नंबर हलवा क्वेश्चन है यार हलवा हलवा क्वेश्चन है जबरदस्त तरीके खा जो खा जो बिल्कुल रोटी शाम घानी है सवाल खा के आया करो पानी नाले नाले पानी पींदे जाया करो घुटा भर भर के ठीक है बिल्कुल कुटा भर भर के पानी पीते जाया करो नाले सवाल खाद खा के आया करो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे है बहुत अच्छे शाबाश 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 बिल्कुल करैक्ट बहुत है बहुत वजी है वन नंबर तो हाँ है मेरे पिछे वन नंबर है तो आप काम करते हैं एक काम कर हैं वेट ए मिनट आप थोड़ा जहा मैं सैटअप कर दे दैकेंडली होल्ड रखो मैं मेरी पिक्चर सैट कर देना जिस करके चलिए हुन ठीक रहेगा हुन ठीक रहेगा सब वास्ते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी नाइस थैंक यू सो मच एवरीबॉडी चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर एवरीवन एंड जो तुसी भी कितने भी अपीयर हो रहे हो बैंकिंग एग्जाम है एसएससी जो भी एग्जाम है बहुत अच्छे बहुत अच्छे शाबाश 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 हुन ठीक है बिल्कुल फटाफट आप आंसर दे दो एससीएफएफ 2 नंबर 16 एन इनन का एलसीएम 160 है इफ वन ऑफ द नंबर थर्टी टू है दैन द अदर नंबर इज एटी आंसर आ गया सुखे का सब तो पहला आंसर आया अस्सी बाकी सब का आंसर तुसी गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं है मैं रौला पा के नहीं दसागा मैं छुपा लाँगा तो लिए पर रख लव तुसी आंसर दो चाहे गलत दो कोई दिक्कत नहीं है मैं ठीक करा देंग ठीक है मैं ठीक करा देंगा पर अगर आप पी पी एस सी बीच गलती करके आगे फिर कोई ठीक नहीं कराएगा देखो जी आंसर करना है बिना पेन बिना पेपर तरीका सीखो वट मैं थोड़ा मैं थोड़ा यही चीज दसी कि जो भी आपको कहा जाए भी कोई टू नंबर है उन्होंने मनिया कि अपने कोई फस्ट नंबर है सैकंड नंबर है फस्ट एंड सैकेंड नंबर इज इकुअल है होने पास एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीयम यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑलवेज इक्वल टू द एससीएफ ऑफ सेम नंबर एंड एलसीएम ऑफ द सेम नंबर एससीएफ किन है एलसीएम कि वन सिक्सटी है इन्हना है? है. चो एक नंबर कि बत्ती सैकंड नंबर अपने को फाइंड करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सोलह एकम सोलह सोलह दुना बत्ती दो एकम दो अस्सी दुना एक सौ सठ एक्स एक बराबर अस्सी एक एक्स आप नंबर मनिया अपना आंसर आ गया हलवा क्वेश्चन है क्या प्रॉब्लम है यार ये शॉर्टकट नोट करो शॉर्टकट नोट करो कम तदी बनना है अपना शॉर्टकट नोट करो तो अंदरों ना पड़ा निकलेगी गियाँ बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच ते तो अंदरों ना फूक निकलनिया निकल चाहिए दिया कि मैथ कर देना पर डरना नहीं है यार पंजाब के इग्जाम है वो तो बद एक आप कहें कि भुख्यान कहें कुछ मर्जी दे दो सो दैट आपा भुखे ने सारे लोग क्योंकि अपनिया रिक्रूटमेंट्स वैसे नहीं आ रही अच्छे लैवल दियाँ है ना तो यही पेपर होने हैं सो दैट ठीक है so बहुत बढ़िया राइट right. चलिए भाई नैक्सट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन थर्ड क्वेश्चन इज गिविंग फॉर यू सो दैट टाइम नहीं लाना बिल्कुल भी एच सी एफ ऑफ थ्री नंबर एच सी एफ ऑफ थ्री नंबर एच सी एफ ऑफ थ्री नंबर सो चूज एनी थ्री नंबर जिन्हें एससी एफ कि ट्वेल्व है इफ इफ दे आर इन द रेो वन रेशियो टू रेशियो थ्री दैन द नंबर आर टू वो नंबर की हो बहुत वह रोहित सूद वेरी नाइस बहुत वै थ यू सो मच आप बहुत डिटेल हर एक एक्सरसाइज एक करा कोई जल्दबाजी नहीं है कि ठीक है जी एक चैप्टर च एसी एफ हो गया अग चल गए नहीं आप एडवास लैवल द करा ठीक है बिल्कुल है चलिए बाइस बहुत वी बहुत वीरिया शाबाद थैंक यू सो मच सो दैट नंबर कोई तीन नंबर है तिना नंबर अपने को एससीएफ ट्वेल्व है कहना कि नंबर वन टू थ्री रेशियो के तो आंसर दसो क्या है अगर मैं टैक्नीकल तरीके नल देखा तो मेरे को बारह है फिर मेरे को चौबी है और फिर मेरे को थर्टी सिक्स है अगर मैं इनू कैंसल कराँगा बारह एकम बारह है बारह दूना चौबी है बारह तीय छत्ती है रेशियो तो मेरे को बन रहा है सो so दैट मैं कह सदा कि यह भी ठीक है करक्ट है ना हूँ मैं हाउ कैन आई चूज चीज चीज गुरमेल सिंह पट्टी साहब जी पहुंच चुके हैं पट्टी साहब जी थोड़ा वेलकम है जी अच्छ दे दे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है मैं दसिया कोई मनते हैं कि फस्ट नंबर आप दो तरीके मैथमेटिक्स करें या तो अज्यूमिंग मैथड ना करो या याोपर एक्स वाई जो प्रोसीजर ना करो अगर मैं है कि मेरे को पहला रेशियो अगर वन है तो मैं इसको मनागा वन एक्स है सैकेंड टू एक्स और थर्ड मेरे को थ्री एक्स है ठीक है अगर मैं एक एक्स दो एक्स से तीन एक्स मन नंबर मेरे को तो सो दैट मैं इसको किस तरीके करा मैं इस तरीके कराँगा पर्टिकुलर मेरा क्वेश्चन स्क्रीन पर जो दिता है मैं एक दो तीन अज्यूम करके ही करने की कोशिश कराँगा राइट है सो दैट अगर मैं इन दा तो मेरे को बेसिकली एससी एफ कि आएगा मेरे को अगर मेरे को एफ़ है x hcf ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ 12 ਮੰਨਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ hcf ਉਹਨੇ 기ਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 기ਵਨ ਹੈ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗਾ 12 2 12 2 24 ਹੈ 12 36 ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਨਸਰ ਪ੍ਰोसीਜਰਲ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੇਸ਼ਿਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 1x ਹੈ ਦੂਸਰਾ 2x ਔਰ ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 3x ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ SCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x SCF ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ 12 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ 12 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਦੂਣਾ 24 ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਣ ਗਈ 12 ਤੇ 36 ਬਣ ਗਏ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਦੈਟਸ ਇਟ ਹਲਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ थैंक यू सो मच यार ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸ਼ਨ ਆਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਰੈਕਟ 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 ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 6 ਬੈਲਸ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਬੈਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਲਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ ਐਟ ਅ ਟੋਲਨ ਇੰਟਰਵਲ 2 4 6 8 ਤੇ 10 ਤੇ 12 ਇਰੈਸਪੈਕਟਿਵਲੀ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟ ਹਾਊ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਡੂ ਦੇ ਟੋਲ ਟੂਗੇਦਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਪ੍ਰਿਪਲ ਐਸਬੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੂੰਦੀਆਂ ਡਾ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 12 ਜੇ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ इस क्वेश्चन का आंसर दसो क्विकली 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 फटाफट आंसर दसना है मैनू जल्दी जल्दी आंसर दसन की कोशिश करनी है सब बच्चों ने फिफ्टीन आंसर शुरू हो चुका है बहुत सारे बच्चों का फिफ्टीन आंसर आ चुका है देखो यह चार तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सानू जिदा कि बैल बारे कहा है सानू सवाल रैड लाइट पर पूछे जा सकते हैं, सानू सवाल यह स्कूल दी बैल बारे पूछा जा सकता है सानू सवाल यह अलग यानी क्लॉक से पूछा जा सकता है किसी भी तरीके ना सवाल पूछा जाता है तो आप इस आसानी कर सकते हैं आसानी किट देखो सवाल एक गल क्या कि अगर मैं दो सैकेंड पहली गल तो आप कि दिती है सैकेंड्स की है टू सैकेंड फोर सैकेंड सिक्स सैकेंड एट सैकेंड एंड टेन सैकेंड एंड ट्वैल्व सैकेंड के अंतराल अगर मेरे को छे बैल ने जड़िया कि अपने अपने इंटरव इंटरवल बजद अंतराल सवाल कर रहे हैं इन तीह सैकेंड भैया अगर टोटल तीह सैकेंडा कि बार वजनगियाँ ये साडा सवाल है समझ लेना क्वेश्चन किस तरीके करना है आप इन द पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन हाउ विल बी सॉलिड ठीक है बहुत सारे बच्चों का कई कई ऑप्शन फोर्थ आ रहा है ठीक है जी चलिए बहुत अच्छे वैरी नाइस लवदीप का आंसर आया सुपर है किंग आंसर सोलह आ रहा है मतलब कि ऑप्शन नंबर फोर्थ भी आ रहा है कई चौदह भी आंसर आ रहा है कई भी आ रहा है आपंड करा सब तो पहला एह जो क्वेश्चन एलसीयम क्योंकि मैक्सीम वैल्यू क्डन आप एलसीयम की जरूरत पेगी सो मैं मनिया कि ट्वैल्व एलसीयम है हम अगर मेरे को मैं माना भी ट्वैल्व एलसीयम है तो ट्वैल्व से टू का डिवाइड जा सदगा थ्री दर का डिवाइड जा सकता है सिक्स का जा सद एट का नहीं जा सकता एट का इस करके नहीं जा सकता एट दिवर इंटू टू फैक्टर है तो ट्वैल्थ ओनली फोर इंटू थ्री फैक्टर इस करके मैं टू का मल्टीपल बना देंगे जिस करके डिविजिबल कर सकता इस नंबर ठीक तो है चलिए इस बात देखा कि ट्वैल है ट्वैल्थ अपने आपू डिवाइड करेगा टेन के चीज़ है पं की घाट है तो आप कर देंगे लगभग मैं कह दाँगा कि मैक्सीम जो नंबर अपने को एक सौ भी एलसीयम आ गया हूँ एक सौ भी एलसीयम आ गया तो एक सौ भी आएगा अपने को सैकेंड आएगा एक सौ भी आएगा तो आप एक सौ भी सैकंड च बदल सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे है बहुत अच्छे है हां जी बिल्कुल 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 एक वन ट्वेंटी करेक्ट कह रहे हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुपर टोटल मतलब कि टोटल एक सौ भी सैकंड मिनट भी बदल के कर सकते हैं ईवन कि थर्ट्ट सैकेंड भी थर्टी मिनट्स मिनट्सू भी बदल सकते हो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का लाइक अपने को सौ भी सैकेंड का किन्ने मिनट बन गए टोटल टू मिनट बन गए हम मैं थनों तो चीज़ दसना सवाल ने अपा पूछा सगा कि दसो थर्टी मिनट्स के अंदर टोटल किन्ने बार बैल बजनगियाँ सवाल बहुत सारे बच्चे न कॉम्प्लीकेटिव है कॉम्पलीकेटिव मैं आसान बनावगा कॉम्प्लीकेटिवर एक चीज़ देखो अगर मैं गल करा कि मेरे को वन है मेरे को टू है मेरे को थ्री है और मेरे को फोर है देखो अगर मैं गल करा कि मेरे को टोटल वन एक दो तीन तो ते चार हूँ अगर मैं करा कि मैं चार घंटे डिस्टेंस कवर कर लाँगा कोई भी वर्क शुरू कर दें तो वह स्टार्टिंग कोई होंगे है ना अगर मैं इस वक्त मेरी क्लॉक पर अगर इक्की बज के चौबी मिनट हो तो मैं अगर कोई एक काम करना है दो मिनटा बाद मैं एक बज के चौबी तो शुरू कराँगा इट मीनस है कि कोई प्रोसैस मेरे तो पहल हो चुकी है टोटल थर्टी मिनट्स के अंदर थर्टी मिनट्स के अंदर किन्नी बारी बैल बजन गां ती डिवाइड कर दो लगभग पंद्रह पंद्रह बार तो बज गां एक बार उसने की करना है? अर्ली स्टार्ट, स्टार्ट कर किया so, जोत बोल रहे है। एक सौ भी कि रो हाँ जी बिल्कुल मैं शॉर्टकट एलसीएम किया रबजोत आप इंज भी कर सकते हैं तो देख पा रहे हो दो है चार है छे है अठ है दस है दोलसीएम किता है अपने को बचेगा वन है इतने बचेगा अपने को थ्री बचेगा फोर बचेगा फाइव बचेगा फिर आपूँ दो डिवाइड कर लें तल वन आएगा दो का डिवाइड किया वन है दो का थ्री से जाएगा ने थ्री सेम लिख दो, दो, दो चार से भाग किया दो आया दो कां त भाग नहीं जाएगा उनजटीज लिख दो इस तो बाद अपने को फिर दो करा वन है वन है थ्री है दोिवाइड जाएगा वन आ जाएगा और फाइव लिख देंगे फिर आप इस थ्री ना डिवाइड करा वन आएगा वन आएगा 3 ਦਾ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 1 ਆਇਆ 3 ਦਾ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਐਜਟਿਜ ਲਿਖ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 1 1 1 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 2 ਜਾਂ 4 4 2 ਜਾਂ 8 8 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 24 24 ਪੰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 120 ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 120 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਰਬਜੋਤ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ बारह भी है सर सर बारह भी है वट बारह भी है ठीक है लव लवदीप मैनू समझ नहीं आया हम्म ठीक है भैया एक सौ भी अपने एलसीएम आ गया एक सौ भी देखो किन्ने मिनट एक सौ भी सैकेंड आएगा बिकोज आपको क्वानटिटी उपर सैकेंड की दीती हुई है तो एक सौ भी टोटल किन्ने मिनट्स बन गए दो मिनट्स बन गए ठीक है बिल्कुल बिल्कुल क्लीयर है ना इन चीज़ सारे बच्चों समझ आ पा रही है ठीक है बहुत अच्छे है शाबाश अगर मैं ओवरऑल ये गल कह कि मेरे को एक सौ भी सैकेंड बनता टाइम एक सौ भी सैकेंड का मतलब कि दो मिनट बन गए अगर दो मिनट बन गए और टोटल तीह मिनट के अंदर कि बैल बजन अगर टोटल मैं तीन न टू ना डिवाइड कर देंगे तो फिफ्टीन टाइम्स तो आएगा है तो एक बार हो है कि आप बैल नौ बजे बजाइए सपोज एग्जाम्पल ला लो नौ बजे घंटिया बजी हैं तो पहली बार किन्नी पहली बार किन्ने बजे बजनगियाँ नौ बज के दो मिनट समझ पा रहे हो ना सैकंड बार नौ बज बजकी चार ते मतलब हर दो मिनट बार गल आ रही है फिर नौ बज के छे ते फिर नौ बज के किन्नेगा ते फिर नौ बज के किन्ने दस से तीस देखोगे हूँ देखो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल कितना है छः बार आया ना तो इंज देखोगे वन टू थ्री फोर तो फाइव एग्जैक्टली थोड़े को फाइव टोटल मतलब ढेर को दस मिनट आए हैं तो तुम नहीं कह दोगे कि सर दसा मिनटा को बार बैल बजी नहीं छः बार बैल बजनगियां देखो पहले नौ बजे बजाइया नौ बज के दो मिनट नौ बज के चार मिनट नौ बज के छे मिनट नौ बज के अठ मिनट नौ बज के दस मिनट छोड़ दिन बिल्कुल क्लीयर है लवदीप राजे एलसीयम कि बना रहे हो कोई गल नहीं अगर ट्वेलप भी है कोई गल डोंट वरी अगर ट्वेलप भी है हाँ कोई गाल नहीं छे बैल आई आई गॉट इट तो तद भी लगभग एक सौ ही आंसर आएगा एक सौ ही एलसीएम आएगा उन्होंने सो दैट डोंट नॉट वरी ठीक है चलिए भाई अगला सवाल स्क्रीन पर है द लार्जेस्ट नैचुरल नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कंजक्टिव नैचुरल नंबर इज बहुत बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन है लार्जेस्ट नैचुरल नंबर वह व्डे तो व्डा नंबर दसो पूर्ण तौर पर डिवीजिबल प्रोडक्ट ऑफ चार नंबर का पूर्ण तौर पर मल्टीपल भी है वो इन्होंने नंबर नंबर मौजूद है सो so दैट देखो कंजक्टिव का मतलब हों लगातार ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਥਾ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਗੇ 1 2 ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਟੂ 3 into 4 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 2 3 6 6 4 24 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਰਜੇਸਟ 24 ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਥੈਟ ਇਹੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹਲਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪੀ ਪੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਬੀ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ 2013 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜੀਤ ਬਲਜੀਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ हां बिल्कुल मैं है पंजाब दे देखो अपने बोर्ड ने जिन्हें भी उन्होंने यह सारा हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए भाई राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रैफिक लाइट्स आर थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजस अड़तालीस सैकंड बहत्तर सैकंड एक सौ अठ सैकेंड रिस्पेक्टिवली इफ ऑल द चेंजस अगर लगभग अठ बज के भी मिनट अच्छे जीरो जीरो सैकेंड ते बदलिया जान दे विल अगेन चेंज टू द रेगुलरटीज किन्ने तरीके बदलिया जा चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर एवरीबडी तोड़े बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है सो दैट बहुत वह बहुत खूबसूरत है बस फटाफट ये सवाल मैनु करके दिखा दो जी बिल्कुल बहुत वदिया बेहद खूबसूरत है बहुत अच्छे बहुत अच्छे शाबाश 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 बिल्कुल कोई रिस्ा नहीं कर सकता तोड़ियाँ इस वक्त जो इंसान स्टडी करेगा गुड सर थैंक यू सर हाँ बिल्कुल, थैंक्स सर अगेन बहुत बढ़िया। इस तरीके आपश्चन रिपीट करा रिविजन करा बिल्कुल मैं डेट दस दिना ये सेम क्वेश्चन साढ़े को फॉरैसट ऑफिसर का एग्जाम होगा तो यह क्वेश्चन पी पी एस सी ने अपने एग्जाम से पूछा सगा योरसट डिपार्टमेंट का कोई पेपर होया ठीक uh, है जी जी बिल्कुल पी ने क्वेश्चन पूछा सी बहुत बढ़िया है सारे स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे वेरी गुड थैंक यू सो so मच रमनदीप गिल बहुत बढ़िया है फटाफट स्टूडेंट्स बहुत बेहतरीन तरीके ना प्रिपरेशन चलेगी बिल्कुल पूरे पंजाब भुल जो तीस बाहर दे बस वो बड़े बड़े नाम ठीक है हाँ तुम फीलिंग लिया करो बस ठीक है बहुत बढ़िया थैंक यू सो so मच फटाफट सवाल दसो भी ट्रैफिक लाइटा ने ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੱਠੀਆਂ 48 ਸੈਕਿੰਡ 72 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 108 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਜਗਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁਝਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਕੱਠੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 8:20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਗਣਗੀਆਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋਹਨ ਜੋਸ਼ ਜਸ਼ਨ 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 ਤੇ ਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਸ਼ਨ हो सकता है सही जा रहे हो जशन बाकी बाकी सबने दसना है यार आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज हम्म बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 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 बहुत बहुत शाबाश 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 सब सबसर आना शुरू हो गया फटाफट बिल्कुल बिल्कुल अठ सताई बारह जशन ने तो पूरा सिरा ही लाता बिल्कुल जशन तेरी नकल कर लेगा कोई हूँ ना एक स्टूडेंट मिस एक स्टूडेंट मिस है मेरा बहुत चहिता स्टूडेंट है वो सवाल खा के आ जाए मैं पूछा भी तू तेरी स्पीड क्यों कहता सवाल सर मैं कह के कहकर कहना ना मैं सवाला रोटी के खा के आना खैर ही वो जॉकिंग विद मी सो दैट दिस इज नॉट ए मतलब रियल मैथड नहीं है सो गिव मी रिप्लाई क्विकली यार सवाल गलत आएगा मैं तुम दसागा ठीक है सिंपल ज फा है जो भी वापस चीज़ा क्र दिमाग च रख लो इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा बोर्ड से लिखना या अड़ताली कौम बहत्तर कौमा एक सौ अठ तीन चीजा ने यह गिवन है कस के सैकंडियम फाइंड कर लो एलसीयम फाइंड करोंगे 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੋ 4 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ 72 ਤੇ 2 ਦਾ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 36 108 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 54 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਆਇਆ 2 ਨੂੰ 36 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 18 ਆਇਆ 2 ਨੂੰ 54 ਤੇ ਕੀਤਾ 27 ਆਇਆ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆਇਆ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 9 ਆਇਆ तो स्ताई तो दो डिवाइड जाता नहीं इस करके स्ताई में सेम रख देंगे आप उस तो बात आप कर सकते हैं बल्कि ईवन कि मैं चीज़ दसिया भी शॉर्ट करने की कोशिश करनी है दो ना डिवाइड किया टू आया दैन अपने को नाइन से टू का डिवाइड जाएगा नहीं ट्वेंटी सैवन तो डिवाइड जाएगा नहीं सिमिलरिटीज सो यू कैन चेंज हेयर थ्री न डिवाइड करो टू तो जाएगा नहीं एजटीज़ टू नो थ्री थ्री जहाँ नाइन नाइन थ्री जहाँ ट्वेंटी सैवन ठीक है थ्री न डिवाइड करो टू टू न सेम टू सेम रखा आप सिमिलरिटीज थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन सो दैट अपने को आ गया टू एंड दे विच है और फिर अपने को फैक्टर बचेगा थ्री है सो थ्री निकल सब नो मल्टीप्लाई करा कॉन्टिन्यू दो दुनी चार चार दुनी अठ अठ दुनी सोलह सोलह ती थे कोड़ताली अड़ताली ती तो हो जाएगा लगभग एक सौ चुताली एक सौ चुताली इंटू छे करोंगे तो एक सौ चुताली इंटू छे करोंगे तो, तो कि हो जाएगा थोड़े कोचिका बयाली चार सौ बत्ती चार सौ बत्तीस सैकेंड तेल तो कंप्लीट बनन गए बिल्कुल चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे राइट हाँ बिल्कुल ठीक है अगर हाँ बिल्कुल किसी स्टूडेंट ने कहा सर इत ट्वेंटी फोर आना करैक्ट चलो ट्वेंटी फोर आता फिर ट्वेल्व आँगा फिर सिक्स फिर रोटेशन चेंज हो जाना स्री बन जाना नंबर उत बनना कोई फर्क नहीं पेगा सिमिलरिटीज आएगा ठीक है लगभग अपने को चार सौ बत्ती आ जाएगा आई एग्री दैट आई एग्री दैट ठीक है बिल्कुल आई एग्री दैट बिल्कुल बिल्कुल इन करैक्ट कर देने आपा, राइट चलिए भाई ब लो जी ठीक है हां ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ 24 ਦੁਨਾ 48 ਸੀ ਫਿਰ 12 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ 6 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਈ ਐਗਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 3 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 3 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਥੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਥੇ 3 ਹੀ ਬਚੇਗਾ 3 ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸੋ ਥੈਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 432 ਸੈਕਿੰਡ ਬਣੇਗਾ 432 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਸ ਬਣਨਗੇ टोटल अपने को किन्ने मिनट्स बनने मैक्सीम टू मैक्सीम चार सौ बत्ती सैकेंड में किन्ने मिनट्स बनने फटाफट दसो आप किन्ने डिवाइड कर देंगे सठ नाल यूनो कि एक मिनट के अंदर तकरीबन तकरीबन सठ सैकेंड होंगे ने तो चार सौ बत्तियां आप करेंगे तो साक्षी का बयाली साक्षा बयाली चार सौ भीह तक सत मिनट बनते हैं सात छी का बयाली चार सौ भीह तक पिछले किन्ने मिनट किन्ने सैकंड बच गए हैं लगभग बारह सैकंड बच गए हैं तो चार सौ बत्ती सैकेंड का मतलब सत्त मिनट तो लगभग खिंच के साथ बारह सैकिड बचे करैक्ट है बहुत वजी बहुत वजी फटाफट मैंने दस दो सारे बच्चे कि तुडे तो को वापस आंसर आना शुरू हो गया है वापस आंसर आना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे है राइट 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 बहुत अच्छे है बहुत अच्छे क्विकली बस जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी है मेरे को मैक्सीम अगला टाइम आएगा नैक्सट अठ बज के भी मिनटा केड ऑन कर दो सत्त मिनट के बारह सैकिड तंसर आ गया है तो आंसर आ गया है गायस ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰੇ ਇਸ ਚ ਮੈਚ ਔਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 8 ਵਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ 00 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਆਪਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 8 ਵਜੇ 27 ਮਿੰਟ ਤੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਅਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1st ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਦਿਆ 3 ਮਿੰਟ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਵਾਟ 7 ਮਿੰਟ 12 ਸੈਕਿੰਡ கரੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਾਤ ਅੱਛੇ 7 ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਮਿੰਟ 27 सेकेंड, आ, सताई सैकेंड सताई अठ घंटे अठ वज के सताई मिनट के बारह सैकेंड साढ़े कोंसर आएगा सो so दैट बहुत अच्छे है बहुत अच्छे है करैक्ट किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत कोई समझ नहीं आया होते हो सब तो पहला दिती गई वैल्यू का अपने पास की करना है एलसीएम करना है मैक्सीम जो वैल्यू होएगी आपू सैकेंड दिता तो सैकेंड लिखो मिनट दिता तो मिनट च लिखो टोटल एलसीएम किता चार सौ बत्ती सैकेंड आया चार सौ बत्ती सैकेंड एक मिनट के तकरीबन तकरीबन सठ सैकेंड होंगे ने आप इन्ह का टाइम बनावे तो मैक्सीम मेरे को सत्त मिनट तो लगभग बारह सैकेंड बन गए अगर मैं अठ बज के भी मिनट के सत्त सैकेंड और बारह सैकेंड सत्त मिनट बारह सैकेंड एड ऑन कराँगा तो अठ बज के सताई तो बारह आंसर आएगा चलिए भाई ठीक है, है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल करैक्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राइट चलिए

ਕਿੰਨਾ ਅਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਵਿਕਲੀ 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 ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲਲੇ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਠੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਕ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਦਾਮ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਫਟਾਫਟ ਤਾਂ ਕਿ ਰੌਣਕ ਜੀ ਬਣੀ ਰਿਆ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਦਵਾਨ ਮੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ किसी ने किसी एग्जाम इग्जाम तो उन्होंने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आना शुरू हो चुका है बहुत वी बहुत वीर रिप्लाई आना हो चुका है थैंक यू सो मच यार ठीक है रिप्लाई आ चुका है बहुत वधिया चलिए भाई चलिए जी चलिए चलिए बहुत वह बहुत वह फटाफट आंसर आ जाना चाहिए मेरे को करैक्ट 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 आंसर आ चुका है आंसर आ चुका है मेरे पास 127, कपिल का आंसर आया है परमवीर yes, नहीं आया चलिए, so देखो, अपने सोलह सौ सतवंजा है एक नंबर पास अपने पास है दो हजार किन्ना है सैंती है सवाल की कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो अगर आप नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर मेरे कोई नंबर के है के नंबर न अगर मैं सोलह सौ सो सतवान सतानवे डिवाइड तो इन इस स्थिति जो मैं किसी नंबर डिवाइड करा तो मेरे को कि बचेगा छे रिमांडर बचना चाहिए मतलब कि अगर मैं सोलह सौ सो सतवंजा डिवाइड करा तो मेरे कोड कि बचना चाहिए छे रिमांडर बचना चाहिए सिमिलरिटीज अगर मैं इसे जगह पर रिपलेस करके मैं नंबर लिख दाँगा दो हज़ार सैंती है तो कोई के नंबर है उस नंबर न पहला तरीका की है अगर कुछ नहीं आता एक पहला ऑप्शन चुको डिवाइड करो दूजा ऑप्शन चुको डिवाइड करो स्थिति तो को बचेगा वाइज थोड़े कॉन्सैप्टे कोडर बच जाएगा कॉन्सैप्ट क्लीयर है अगर तो नहीं बचता है ਤਤੋ ਸੀ ਪ੍ਰोसीਜਰਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰोसीਜਰਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਮੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਰਿਮੈਂਡਰ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ 1600 ਕਿੰਨਾ 51 ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 2031 ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਰਿਮੈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ इनका एससी एफ फाइंड करना है जो भी कोई ग्रेटैस नंबर फाइंड करना है ग्रेटैसट वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑलवेज आपको एससी एफ करना पेगा सोलह सौ सो इकवंजा दो हजार इकती न भाग करना है वन टाइम चलया जाएगा सोलह सौ सो इकवंजा जीरो आया तेरह के गए थोड़े कोठ बचेगा नौ के करो तो थोड़े को बचेगा लगभग तीन बचेगा समथिंग दैट बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है इस तो बाद आगे डिवाइड करो सोलह सौ सो इकवंजा न सोलह सौ सो इकवंजा डिवाइड करोंगे तो नैक्सट वैल्यू जाएगी कितों तक जाएगी मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं सो दैट बहुत सारे बच्चे अज ना यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है ना सोलह सौ सो दो हजार बत्ती दो हज़ार बत्ती सो दैट वन थ्री एटी वन हाँ बिल्कुल विशाली हा, विशाली बैंस बिल्कुल ठीक है सो दैट ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਸਿਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ जी बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फटाफट फटाफट जी जी बिल्कुल ठीक है इन डिवाइड कर दो डिवाइड कर दो बहुत बढ़िया है सोलह सौ इकवंजा दे सोलह सौ इकवंजा दे दो हज़ार बत्ती डिवाइड करो सोलह सौ इकवंजा दे दो हज़ार बत्ती डिवाइड करो ठीक है ठीक है जिन्ना फास्ट कर सकते हो टैक्नीकल तरीका क्वेश्चन यही गल कह रहा है कि तुम अगर सोलह सौ मेरे को सोलह सौ इकवंजा है एंड इस आप कि दो हज़ार बत्ती करा तो अपने को वन टाइम चलिया जाएगा देन अपने को वन बचेगा और थर्टीन चो अठ बचेगा फिर अपने को लगभग लगभग तीन सौ क्यासी है फिर अपने को सोलह सौ इकवंजा है सोलह सौ इकवंजा डिवाइड करोंगे किन्ने टाइम जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आना शुरू हो गया वन ट्वेंटी सैवन आंसर आ रहा है ठीक है जी एक सौ देखो जो नंबर एग्जैक्टली exactly बचेगा उस नंबर तक आपको करना है ठीक है जी बिल्कुल अगर आप थ्री एटी वन फोर न मल्टीप्लाई करा तो फोर अठ चौका बत्ती है तीन बचेगा चारती है बारह तीन कि पंद्रह सौ इना बचेगा लगभग तुम चार तक डिवाइड करोगे तो पंद्रह सौ चौबीस बचेगा हमें लिखोगे सैवन है दिस इज फाइव तो फाइव मीन फोर बचेगा फोर टू टू बचे वन ट्वेंटी सैवन है और वन ट्वेंटी सैवन है थ्री एटी वन पर करोंगे तो आई थिंक यह थ्री टाइम तक कैंसल हो जाएगा थ्री टाइम तक चलिया जाएगा तो जो नंबर एग्जैक्टली exactly पूरा पूरा डिवाइड करता है उड़ाएगा एस सी एफ होगा तो इन्हों का नंबर टोटल वन ट्वेंटी सैवन होएगा ये मतलब की है कि अगर सौ सताई सोलह सौ सो सतावन डिवाइड करोंगे तो, तो कोडर बचेगा अगर तुसी एक सौ सताई दो हज़ार डिवाइड करोंगे तो, तो बचेगा सो दैट इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया चलिए भाई नैक्सट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हेयर इज द नैक्सट क्वेश्चन नैक्सट क्वेश्चन फॉर यू ठीक है ए क्वेश्चन पुडा एग्ज पुडा कलैरीकल पुडा कलैरीकल पेपर का क्वेश्चन है सो वी हैव ए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोड ऑफ प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ नंबर वी हैव ए बहुत है, बहुत बढ़िया बढ़िया फटाफट फटाफट सारे स्टूडेंट्स ने अपना अपना आंसर की कोशिश करनी है बहुत बढ़िया है सुपर सुपर डुपर बहुत बढ़िया है बहुत खूबसूरत सेशन जा रहा है यार चलिए भाई द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट मेरे को नंबर दे रख्या है ए ट्वेंटी मल्टीप्लाई फिफ्टीन टवंटी फोर मल्टीप्लाई सैवन फिफी सो दैट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी द प्राइम नंबर आर सो दैट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश फटाफट हो सकता है जिन्ना छेती हो करने की कोशिश करो ठीक है ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਯੋਰ ਰਿਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਮਰਥ ਹੋ ਇਸ ਪਾਰਟिकुलर ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ओके नो बॉडी इज गिविंग मी रिप्लाई सो दैट मैं थोड़ू दसदा ये मतलब की है देखो गल आ रही है प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर की होंगे है प्राइम फैक्टर होंगे नंबर विच हैविंग ओनली ओनली टू ओनली एंड ओनली टू फैक्टर वो नंबर होंगे ने प्राइम जिन्हें सिर्फ दो तो ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं हो सकते ऑलवेज प्राइम नंबर स्टार्टड फ्रॉम टू कोमा थ्री कोमा फाइव कोमा सैवन कोमा इलेवन ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13 ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 17 ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਨਲੀ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਸਕਣ ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਵੇਸ 3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ एंड फाइव हो सकता है और एक मैं सैवनटीन पिक करता फोर है, नंबर हैं। अगर आपट नीपलेस करके टू थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी करते हाँ सिमिलरिटीज फिफ्टीन का फैक्टर बनावगा तीन इन पांच पंज करा आप ठीक है क्योंकि बाकी इस परिकुलर क्वेश्चन के नंबर रिपलेस नहीं होएगा ठीक है तो तीन पंद्रह है पंद्रह नल्टीप्लाई किसना कितना ट्वेंटी फोर है आई थिंक एक सौ तेई ठीक है वैल्यू ही नहीं दिख रही सर मैनू नैटवर्क प्रॉब्लम है ओके कोई गल नहीं नैटवर्क प्रॉब्लम है कोई गल नहीं है कश्यप राइट सो दैट नैक्सट इज गिवन सैवनटीन मल्टीप्लाई फिफ्टीन सो अगर आप इस मल्टीप्लाई करा तो तीन तेरह दूर छब्बी लगभग दो सौ सठ है फिर आप इस तीन पंद्रह है पंद्रह ना पंद्रह ट्वेंटी फोर न मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन ट्वेंटी ना किता लगभग तीन सौ चार किया सठ है तो थ्री हंड्रड कि आ जाएगा ट्वेंटी फोर ऑलमोस्ट परिकुलर दिस क्वेश्चन यू कैन सोल्व बाय दिस एप्रोचेबल मैथड चौवी न मल्टीप्लाई करो जी जी बिल्कुल समथिंग ठीक है ठीक है करैक्ट 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 चलेगा सैवनटीन आ पंद्रह बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है. है जी ठीक है हाँ राइट right. देखो फैक्टर बनाओ कॉमन कॉमन फैक्टर बनाओ एक यह जहा कि जिना ये ऑप्शन के नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर सकेगा पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर सकेगा मीनस क्या है कि फैक्टर मीनस ये होता है कि अगर आप गल करते हैं देखो प्राइम नंबर चो कोई फैक्टर नहीं बनेगा इन्ह नंबर के चुप के आपको मल्टीप्लाई करना पेगा ताकि आप नंबर की कर सकी नंबर मल्टीप्लाई कर सीए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब का आंसर होना चाहिए था यार गलत आएगा कोई गल नहीं मैं इंप्रूवमेंट कराव मैं ठीक कराव ठीक है लगभग हाँ जी जी बिल्कुल इसनों आप कि लिख सकते हैं तीन सौ चौबीस है, है कोम आप इस सौ चौबी भी लिख सकते हैं दोनों इंज करके लिख हैं ठीक है दोनों हम इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करा तो आप लिख सतारौ पंद्रह लगभग मेरे को इस तरीके की यह प्रोसीजरल मैथड इस तरीके डिजाइन होएगा डिजाइन होएगा तो आप कि फैक्टर आप यूज़ कर रहे हैं फैक्टर वन फैक्टर टू फैक्टर थ्री एंड फैक्टर फोर सो दैट अपना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा ठीक है

फोर्टी फोर 264 टू इफ़ द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री दैन सेइंग, फर्स्ट इज डिविजिबल बाय थ्री कोई नंबर है फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय थ्री बहुत बढ़िया देखो किन्ने बच्चों का आंसर सही आता है जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी है क्विकली कमन कमन गाइज कमन 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 जल्दी जल्दी फटाफट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो नैक्सट क्वेश्चन का रिप्लाई करो नैक्सट क्वेश्चन का रिप्लाई करो मैनु जल्दी जल्दी नैक्सट क्वेश्चन का रिप्लाई करना है फास्ट करना है रिप्लाई जी बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करना है जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा मैं उसू प्रोपर तरीके समझावांगा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके ना मैथ सीखना है तुसी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिक्सटी फोर वन थर्टी टू 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 आंसर आ रहे हैं वखरे वखरे आंसर आ रहे हैं गाय uh, जो प्रीवियसली क्वेश्चन है ना इट मीनस एट दावर कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फटा फटाफट बिल्कुल कि आंसर आया है मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ना 264 आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर सी आई थिंक आई थिंक कॉम्प्लीकेटिव कंडीशन हो गई थोड़े तो नहीं देखो एससी एफ ऑफ टू नंबर एससी एफ और एलसी एम टू नंबर कि सब तो पहला आप लिखा अपने पास एस सी एफ़ कि है फोर्टी फोर है एंड एलसीएम है अपने पास टू सिक्सटी फोर है मैं मानता है कि अगर मैं कोई नंबर लेना है सपोज अपने पास कोई मैं नंबर लेता हूँ कोई एच ए फोर मतलब एक नंबर ले लेने ए है सेकंड नंबर आप लें एच है, है अलग अलग जूम कर सकते हैं आप बहुत सारे बच्चों का ठीक है बिल्कुल आसानी ना समझना है बेसिक स्तर समझा क्वेश्चन लैट द नंबर आर अपने कोई ए एच है कोई बी एच है एच इज द एससी ऑफ टू नंबर ले लो या एक्स ले लो कोई दिक्कत नहीं है ज़ूम करना पाएगा कॉन्सैप्ट तु तुम तु कर सकते हो